सिनेमा की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई है कि बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया है। 47 साल के एक्टर दिन भर शूटिंग में बिजी थे, लेकिन घर आने के बाद उन्हें बेचैनी हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। आपको बता दें, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन दिनों श्रेयस फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में सेट से एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें श्रेयस अक्षय कुमार और बाकी सितारों के साथ शूटिंग करते भी दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो सेट पर बिल्कुल ठीक थे और हर किसी से मस्ती मजाक करते दिख रहे थे, लेकिन घर जाने के बाद उन्होंने बेचैनी की शिकायत अपनी पत्नी से की। थोड़ी ज्यादा दिक्कत होने पर उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल लेके जा रही थी कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। बस फिर जैसे तैसे फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर पता चला कि एक्टर को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में तुरंत जरूरी कदम उठाए गए और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। खबर है कि पहले से श्रेयस की तबीयत बेहतर है, लेकिन फिलहाल उन्हें अस्पताल में ही रखा जा रहा है, एडमिट है वो वहीं पर। वहीं इस खबर को सुनकर हर कोई शॉक है। श्रेयस महज 47 साल के हैं और एक्टर होने के चलते वो खुद को फिट रखने की कोशिश भी करते हैं, बावजूद इसके उन्हें हार्ट अटैक आना वाकई बड़ी बात है। वहीं ये खबर आने के बाद उनके फैंस इतनी ज्यादा चिंता में दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके ठीक होने की खबर से उन्हें राहत भी मिली है। कुछ समय पहले मशहूर डिजाइनर रोहित बल की तबीयत भी काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही थी। उन्हें वेंटिलेटर तक पर रखा गया था, लेकिन दुआओं का असर हुआ और रोहित काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। हाल ही में खुद उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में फैंस को जानकारी भी दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर।